हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल? आई होप अच्छे होंगे। फिलहाल भाई ट्रेवर भाई को देखिए, कैसे ट्रोन बाइक पे जाने में लग रहा है भाई। इतनी ज्यादा धूप होकर के रखी है। ट्रेवर को बंदे चैन से बैठने नहीं देते। हर बंदे को अपने काम हमसे निकलवाने हैं, किसी को चोरी करवानी है, किसी को कुछ करवाना है। ड्राइवर के सर में दर्द करके रखा है, ऊपर से इलेक्शन होकर रखे हुए भाई हो चुके हैं, वोटिंग सब कुछ हो गया है, अभी बस काउंटिंग होने ही वाली है। अब देखना ये है कि कब जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। बस यार कास्ट जीत जाए। अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया ना ड्राइवर, तो भाई फिर आतंक उठा देगा लोस सैंटोस में, क्योंकि अगर कोई और जीता ड्राइवर की जगह तो फिर तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ यहाँ पर होने वाली है। चलिए खैर वो तो बाद की बात है। अभी ना मतलब कि ड्राइवर घर पर था, फोन आता है हमारे पास कैरी भैया का। वही कैरी भाई जो मेरे पास आया था, मुझे बोल रहा था ड्राइवर तुम्हारी मैंने हेल्प करी, अब तेरा मतलब कि तेरे भाई बारी है, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी है एक बहुत बड़ी रोबरी में, जिसके लिए मैंने अपनी टीम बना भी ली है, तुम्हें आना पड़ेगा मुझसे मिलने के लिए। तो फिलहाल भाई मैं अभी कैरी से मिलने के लिए ही जा रहा हूँ। बंदा मेरे को बुला रहा है भूत वाले घर पर। पता नहीं भाई वहाँ पे क्या क्या बोलने वाला है, और पता नहीं किस चीज़ की रोबरी करवाएगा, कैसे करवाएगा। ये मरने काम कर रहा है, खुद भी मरेगा मुझे ही मरवाएगा। वैसे ड्राइवर तो मरने वाला है नहीं, बट फिर भी यार अभी थोड़ी प्रॉब्लम मतलब हो करके रखी है हमारी लाइफ में, जैसे कि अभी तक हम प्रेजेंट नहीं बने, ऊपर से गैंग्स, दो चार दिक्कतें हैं। और ये बंदे को भी अभी रोबरी करनी थी। एक तो रोबरी मैंने परसों ही करी भाई, मतलब कि अभी एक दो दिन पहले ही करी है, और फिलहाल अगर अभी मैं फिर से एक और रोबरी कर लूँगा तो मेरे पीछे आर्मी वाले बंदे पूरे लग जाएंगे, ऊपर से फिर जनरल भी लग जाएगा। अभी तक तो मेरे को परेशान कर नहीं रहा, बट वो भी करना शुरू कर देगा। चलिए खैर जैसे भी है, देखते हैं बाद में देख लेंगे हर एक चीज़। फिलहाल पहुँचते हैं कैरी से मिलने के लिए, लेट नहीं करेंगे। पहुँच गया हूँ मैं जगह पर, तो फिलहाल कैरी ने भाई यहीं पर बोला था मिलने के लिए। हेलो भैया जी। कैरी जी एक सेकेंड ब्रो, इधर ही खड़ा रहे। अबे डग्गू चाचा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो यार? एक बात समझ नहीं आई, डगन अपना बंदा कैरी के साथ क्या कर रहा है? मेरे को बात हजम नहीं हो रही भाई बिल्कुल भी। डग्गू भैया ये कैरी के साथ क्या कर रहे हो? अरे ट्रेवर यार, ये मेरा दोस्त रह चुका है बहुत पहले। असल में इसने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अभी यार इसने फिर मेरे को फोन किया और बोला कि ट्रेवर से काम करवाना है। भाई मैं इसकी सिफारिश करने के लिए आया हूँ, प्लीज यार जो भी इसका काम है कर दे, नहीं तो कैरी मेरे को बोलेगा मैंने फिर इसका एहसान नहीं चुकाया। ये कैरी बड़ा लंबा खिलाड़ी लग रहा है मुझे। इसने ऐसे ही मेरे को ब्लैकमेल करा काम करवाने के लिए। ऐसा भाई किस किस को ऊपर एहसान करके रखता है तू, और ऊपर से फेवर रिटर्न में मांगता भी है, खुलेआम डरता नहीं है, बोलता है कि भाई मैंने फेवर किया तो फेवर लूंगा। ठीक है भाई, अब तो डगन से सिफारिश करवा दी। वैसे डगन कहाँ मिला था तेरे को ये? चल ठीक है बाद में इन्फॉर्मेशन पूरी निकालूंगा वगैरह वगैरह। ओके भैया जी, कैरी भैया जी बोलिए क्या तकलीफ है आपको, क्या करवाना क्या चाहते हो, बड़े बंदों के साथ आए हो। कैरी मुझे बोलता है कि एक काम करो ट्रेवर, इनमें से कोई गाड़ी ले लो और निकलो चुपचाप यहाँ से, हम दोनों को यहाँ से निकलना है। बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, अपनी बाइक यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि इस बाइक पर एक ही बंदा बैठ सकता है भाई, इसको पता है सारी बातें। तो फिलहाल ये मेरे को एक जगह पे लेकर के जा रहा है, पता नहीं क्या करवाने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है कैरी भैया जी, बस यार उल्टा सीधा काम मत करवाना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बहुत बड़े पंगे फंसा हूँ, समझ रहा है ना? अगर कुछ भी उल्टा सीधा होगा तो भाई देख मैं तेरे को आगे कर दूंगा कि इस बंदे ने करवाया मुझसे ये काम, मैं तेरे को अरेस्ट करवा दूंगा। चलते हैं, पता नहीं कहाँ पे लेकर के जा रहा है, बोल रहा सीधे चलते रहो सीधे चलते रहो। ठीक है भाई सीधे ही चलते हैं और पहुंचते हैं इसकी आखिरी जगह पर। मैं और कैरी भाई जगह पर पहुंच गए। कैरी इस वक्त मेरे को भाई लोस्ट वालों को जो नया बेस है ना वहां पे लेकर के आया है, और मुझे बोल रहा है कि देखो ट्रेवर सामने एक लोस्ट वाला बंदा खड़ा हुआ है, चलो उसको बजाना है हमें और उससे एक ब्लूप्रिंट लेना है। बस यही काम मुझे तुमसे अभी फिलहाल करवाना है, उसके बाद मैं तो बताऊंगा चोरी करने के लिए कब और किस वक्त आना है, और मेरी टीम सेलेक्ट हो चुकी है, सारे काम मैंने कर लिए। तो इस बंदे के पास भाई कुछ तो है जो कैरी को चाहिए, बोल रहा है ब्लूप्रिंट, लगता है कोई मैप वगैरह है। भाई लोस्ट वाले बंदे हर जगह है, मतलब इनको हर एक के काम में घुसना है। अब एक किसी को रहने भी दिया करो, मतलब हर एक के बीच में घुस जाते तुम लोग। ये ले बैठे चोली लोस्ट वाले ब्रो। वैसे लास्ट टाइम समझाया था तुम लोगों को कि मेरी टीम में आ जाओ, मेरी बात मान लो, नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, डंडा बजाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कैची लगी चौचो आया मजा। अरे 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 सो सॉरी यार, अबे कैरी ना उन्हें पहले पीट लेता, मैंने बजा लिया अब आ रहा तू बाद में। अरे किस पे बूबू कर रहा है मेरे प्यारे भाई? शांति शांति, हम जा रहे हैं तुम्हारे मोहल्ले से, मानता हूँ हमने तुम्हारे भैया को पीट दिया, एक चीज ले ली थी, चोरी करी थी उसने हमसे। कैरी ने भाई ब्लूप्रिंट बंदे से ले लिया है, ब्लूप्रिंट सच में इसके पास मिल भी गया है। इसकी खबर बहुत अच्छी है भाई, कभी कभी हमारी खबर मतलब गलत निकलती है, लेस्टर हमें उल्टी सीधी खबर दे दे के यहाँ वहाँ भेजता रहता है, बट इस बंदे की खबर काफी अच्छी निकली। आ जा भाई कैरी, ब्लूप्रिंट तेरे को चाहिए था मैंने तेरे को दिलवा दिया, अब देखना ये अब मतलब अब क्या करने के लिए बोलेगा। मेरे को घर जाने देगा तो घर पे चले जाएंगे, और जब बुलाएगा तब आ जाएंगे। कैरी से बात हो चुकी है, कैरी मेरे को बोल रहा है ड्राइवर मेरे को शहर के कॉमेडी क्लब पर छोड़ दे, मैं फिर तेरे को बाद में कॉल करूंगा कब आना है क्या काम करना है। तो चलिए भाई इसको मैं कॉमेडी क्लब पे शहर पे छोड़ देता हूँ, और वहीं पे फिर ये उतर जाएगा। तो शहर का कॉमेडी क्लब जो पढ़ने वाला है वो पड़ेगा सेम उसी लाइन में जहाँ पे पड़ता है पैसिफिक स्टैंडर्ड बैंक। मैं कैरी को लेकर के आ चुका हूँ भाई कॉमेडी क्लब में। लो कैरी भैया ये रहा आपका प्यारा कॉमेडी क्लब,
ठीक है भाई, अब कुछ और काम करना है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कैरी से भाई मैंने बातें कर ली है। कैरी मुझे बोल रहा है कि बस ट्रेवर फिलहाल तो यही काम था और ये मेरे को ये बातें बोल करके कॉमेडी क्लब में चला गया है। तो फिलहाल चलिए भाई, ये बाद में शायद से आएगा और मेरे को जब भी बुलाएगा तब मेरे को जाना पड़ेगा। मैं निकलता हूँ यहाँ पे, पता नहीं कॉमेडी क्लब में क्या करने आया। कॉमेडी करेगा वो अलग बात है, या फिर किसी से मिल भी सकता है आकर के, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रेवर ब्रो निकलो और वेट करते हैं इसके फोन का आने का। बस ये कहीं पे फंसवाना थे, बस ये मैं ही चाहता हूँ। वैसे तो छोटी मोटी रोबरी करेगा भाई, मेरे को लगता नहीं है कोई ज्यादा बड़ी रोबरी करने वाला है। बाकी तो टाइम बताएगा आखिर ये बंदा क्या मुझसे करवाएगा, देखते हो तो पता लग ही जाएगा। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो की ये वीडियो कैसे लगी, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।